हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू बियॉन्ड द बुक्स। मैं शुभम पांडे आपका होस्ट और दोस्त एक बार फिर से आपके सामने स्क्रीन दिख रही है। ये मेरे चैनल का डैशबोर्ड है। जी हाँ, ये वीडियो वैसे तो अर्बन प्रो के रिगार्डिंग है, तो पहले मैं उन कमेंट्स के रिप्लाई करने वाला हूँ जो कमेंट्स मुझे पूछे गए। क्या पता आपके भी वो डाउट्स हो, और उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल पे ले चल के हर एक डाउट्स के, इसके रियलिटी के, इसकी अर्निंग से रिलेटेड हर वो चीज दिखाऊंगा। इसके रिगार्डिंग में वीडियोज बना चुका हूँ, आप उन वीडियोज को देखते भी हैं नो डाउट। सब्सक्राइब नहीं करते वो अलग बात है, बट अब काफी सारे चेंजेस आए हैं, तो उन नए चेंजेस के बारे में भी जानना आपका हक है और मेरा काम है। सो लेट्स स्टार्ट इट। आता है सबसे पहला जो कमेंट यहाँ पे है, दिखा है सर, अगर कोई स्टूडेंट पेमेंट कर देता है तो उससे हम उसका नंबर ले सकते हैं ताकि अलग से क्लास लेने के लिए, बिकॉज अर्बन प्रो पे क्वालिटी नहीं है। मानता हूं कि अर्बन प्रो पे कई बार स्पैम नंबर आते हैं, हमें कॉल कनेक्ट नहीं होती, जब मैसेज आते हैं मैसेज का अलर्ट लेट होता है, या मेल से बहुत लेट अलर्ट आता है, कई बार कम्युनिकेशन गैप आता है। तो देखिए करना क्या है, आपको पेमेंट आते ही नंबर नहीं देना। पेमेंट करने के बाद अगर आप नंबर देना चाहते हैं, जो आपकी फर्स्ट क्लास होती है, क्योंकि आपके डेमो वीडियो की रिकॉर्डिंग देखी जाती है, डेमो वीडियो के बाद सारी क्लास की रिकॉर्डिंग देखी नहीं जाती, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे उसको अपना नंबर मेंशन कर दें। आगे अगर आपको साइट से पढ़ाना है या ऐप के थ्रू ही पढ़ाना है, देखिए ऐप के थ्रू पढ़ाएंगे तो मान के चलिए 20% का चार्ज देती है ऐप हर एक क्लास के पीछे, तो अगर आपकी 250 की क्लास है पर आवर की, तो आपको 200 रुपए ही मिलेंगे, 50 रुपए पूरे के पूरे किसके हो जाते हैं, ऐप के हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपको जैसा सुटेबल लगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी लास्ट दो लाइन समझ में नहीं आई तो अब आप मेरे इस वीडियो से समझ लीजिएगा, आप जो भी है @jasmineKhannaji। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, सर डेमो को जूम ऐप पे लेना होता है या कैसे अर्बन प्रो? याद रखिए अर्बन प्रो में जूम ऐप इनबिल्ट होता है। आपके मोबाइल में जूम ऐप हो या ना हो, आपके लैपटॉप पे जूम ऐप हो या ना हो, अर्बन प्रो में जूम पेड वर्जन उन्होंने इनबिल्ट कर रखा है, इसलिए तो वो प्लेटफॉर्म के चार्जेस लेते हैं। फिर भी अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए एक जूम ऐप डाउनलोड करके उस डिवाइस में रखें, हालांकि वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, तो परेशान ना हो। ठीक है, अगला डाउट है, क्या डेमो क्लास में पैसे मिलते हैं? बाबू मिलता तो मैं आपको भी दिखाऊंगा, मैंने कितने डेमोज दिए हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आवर्स दिख रहा है ना 685, ये नंबर ऑफ आवर्स मैंने टॉच किए, यहाँ पे दिखाता है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा है कि 658 आवर मैंने पढ़ाए हैं, राइट। ये पेड क्लासेस है, क्या है, पेड आवर्स है। ऐसे ही अगर मैं अपने मोबाइल पे स्क्रीन पे ले जाऊंगा तो वहां पे मैंने 700 प्लस आवर पढ़ाए हैं। इसका मतलब क्या है, 120 घंटे से ज्यादा के मैंने डेमोस दिए हैं, और डेमोस पेड नहीं होते। आप डेमो पेड कर देंगे मतलब आप एक इतने हाई क्लास के टीचर हैं कि आपके डेमोस भी पेड हो, तो उस तरह का मुश्किल होगा। आप ये काम कर सकते हैं कि डेमो का जो ड्यूरेशन है उसको 50 मिनट और 30 मिनट का ऑप्शन आता है, उस पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गए आप, चलिए मैं आपको कैलेंडर पे ले चलता हूँ। कैलेंडर पे गए आप, कैसे करना है ये ऑप्शन देख लीजिए। जब आप कैलेंडर पे गए तो कैलेंडर में अपनी अवेलेबिलिटी पे जाइए, ठीक है, ऐड पे जाइए, ऐड पे आती है डेमो अवेलेबिलिटी पे जाइए। जैसे ये मेरी डेमो अवेलेबिलिटी ऑन है तो यहाँ पे लिखा होता है एडवांस ऑप्शन, और इसमें देखिए होता है ड्यूरेशन ऑफ द डेमो क्लास। पहले ये 50 मिनट था, और लैपटॉप पे तो हालांकि 30 मिनट का था, अब मोबाइल पे भी 30 मिनट वाला ऑप्शन दिखता है। 30 मिनट पे कीजिए सेव, चेंज कीजिए। अब जो बच्चा आपसे डेमो बुक करेगा, जैसे इस बच्चे ने डेमो बुक किया है, तो ये केवल 30 मिनट का, 6:30 का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डेमो की लिमिट घटा दीजिए, क्योंकि 50 मिनट पढ़ाना कोई कंपलसरी काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, हेलो सर, आई एम अ ट्यूटर ऑन अर्बन प्रो, आई एम अ न्यू ट्यूटर, सर प्लीज मी टेल मी कि अगर कोई स्टूडेंट किसी प्रॉपर मॉड्यूल को ट्यूटर के पास सेंड करना चाहता है वाया कुरियर, तो हम एड्रेस कैसे सेंड कर सकते हैं? तो जैसा मैंने पहले कमेंट में आंसर किया कि अगर बच्चा आपको पेड कर चुका है और पे करने के बाद वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है, तो उसमें आप आराम से नंबर दे सकती हैं। ठीक है, तो आपने लिखा है बट सेव पेड क्लासेस आर रिकॉर्ड होती हैं, डेली रिकॉर्डिंग आती है, तो पेड क्लास में बता सकते हैं? जी हाँ बता सकते हैं, रिकॉर्ड होती है वो बच्चे के लिए होती है, वो उनके हजारों टीचर यहाँ पढ़ाते हैं, वो डेली सबकी रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते। आपकी वीडियो से ही मैंने अर्बन प्रो ज्वाइन किया और मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड डेमो ही सक्सेसफुल हो गया, और नई मैसे मैं स्टार्ट किया है, और आज मेरे पास 9 स्टूडेंट हैं। थैंक, वेरी गुड, अच्छा लगता है ये सुन के कि जब आप वीडियोस, मेरे वीडियोस के थ्रू आप लोग सीखते हैं और स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगा जान के। मैं आपका रिप्लाई करना चाहूंगा यहीं पे ड्यूरिंग द वीडियो ही, ताकि अदर लोगों को भी पता चले
कि यहाँ पे काम बनता है। तो चलिए ठीक है, इनका रिप्लाई भी हो गया क्योंकि वेलकम बनना। देखिए मैंने इनका कमेंट पढ़ा नहीं था क्योंकि कमेंट के नीचे कमेंट आते मुझे दिखते नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सर मैंने अभी 2 ईयर में ये रिलेवेंट कमेंट नहीं है तो इसको स्किप करते हैं। हाउ टू टर्न पेड डेमो क्लास, जैसा कि मैंने बोला डेमो क्लास पेड नहीं होती है। चलिए आगे आते हैं। सर मेरे क्वाइंस अपने आप डिडक्ट हो रहे हैं बिना कोई इंक्वायरी वेट किए हुए, डेली 7 क्वाइन डिडक्ट हो रहे हैं, अर्बन प्रो के एम्प्लॉइज को उसका कोई रिप्लाई नहीं देते, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ अपनी क्वाइन हिस्ट्री को। ये बीच में मेरे साथ बहुत तेजी से हो रहा था। जब भी आपको क्वाइन हिस्ट्री देखनी हो आप अकाउंट पे जाए, इस अकाउंट सेक्शन पे जाएंगे, क्वाइन हिस्ट्री में जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और अपने आप कट रहा था, फिर मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मैंने रेस की कंप्लेंट तो उन्होंने बोला। जैसे ये देखिए अभी यहाँ पे रिसेंट में कटा है कि नहीं, ये देखिए मेरी क्वाइन हिस्ट्री है। देखिए ये जैसे किसी बच्चे ने बुक किया 96, किसी ने जब कोई फीस पे करता है तो अगर 1200 रुपए फीस पे करता है तो आपको 1080 पॉइंट मिलते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए ठीक है। और अलग अलग क्लास में, क्लास 10th के बच्चे ने बुक किया तो 170 पॉइंट कटे, 70 किया तो 132। वही ये शरद खन्ना यूएसए से है, क्लास 9th के लिए बुक किया, इसमें केवल 85 पॉइंट कटे, हर एक पॉइंट 1 रुपए के बराबर होता है ठीक है। और ये जो भी 720 है, देखिए रिफंड भी आता है, अगर कोई बच्चा ज्वाइन ना करे तो कुछ पार्शियल पॉइंट रिफंड आता है, वो भी वेरी करता है, यहाँ 33 है, यहाँ 45 है। तो अभी इन अर्लियर डेज में मेरे पॉइंट्स, देखिए जैसे वीड इंक्वायरी 2 है, ये मैंने देखी नहीं है और इन्होंने 2 काट लिए जून में, तो ऐसे ही बहुत सारे 2-4 पॉइंट मेरे भी कटे हैं और ये इनके सिस्टम में फॉल्ट है। देखिए ये ऐसे जो जो 2-2, 4-4 पॉइंट कटे हैं ये मेरा सिस्टम में फॉल्ट है और ये मेरी पूरी पॉइंट हिस्ट्री बहुत लंबी है, कई सालों की है, तो उसका कोई उपाय नहीं है मैडम। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं कि मान लीजिए इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। इसके नीचे एक दो और कमेंट करते हैं फिर आते हैं टाइम पे अपने पास। सर इसमें इनकम होती है कि फेक है? चलिए इनकम की बात करते हैं, मैं आपको अपनी इनकम लेवल की तरफ लेके चलता हूँ, थोड़ा सा बैक चलूंगा और आप लोग बने रहिए वीडियो में भाई, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं मिल पाएगी, आपको टाइम लगेगा ठीक है। मैं स्टूडेंट सेक्शन में आता हूँ और पेमेंट का सेक्शन शायद मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, तो मुझे स्टूडेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा। आप देखिए वेबसाइट थोड़ी स्लो है तो आप वीडियो को 1.5x पे लगा लीजिए क्योंकि मैं इसी स्पीड में इसको दिखा सकता हूँ। तो जब मैं स्टूडेंट सेक्शन में जाऊँगा तो शायद मुझे यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिखे। ये 40 स्टूडेंट जो है ये लगभग मैं अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से 20-25 को, तो ये वही दिखा रहे हैं ठीक है। और ये फॉलो अप्स हैं और एक मिनट में पेमेंट के लिए आपको कहाँ से ले जाऊँ, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। हाँ ये देखिए ये स्टूडेंट पेमेंट अकाउंट्स में ही सब आता है, मैं आपको गलत जगह लेते चला गया। स्टूडेंट्स में, अकाउंट्स में स्टूडेंट पेमेंट में जाइए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी अर्निंग क्या है। इस साल मैंने बहुत ही अच्छा कमीशन अर्बन प्रो को कमा के लिया है और खुद भी कमा रहा हूँ। तो ये देखिए देख रहे हैं अभी तक ये मतलब मैं हल्का फुल्का देता रहता हूँ, तो 2 लाख रुपए की अर्निंग में 62,000 मैंने अर्बन प्रो को कमीशन दिया, 1,38,000 रुपए मेरी कमाई है और अभी भी मेरे पास 12,645 रुपए फ्रीज ट्रांसफर होनी बाकी है क्योंकि पेरेंट ने पे कर दिया। अब मैं वीकली पेमेंट लेता हूँ तो मैंने सेट कर रखा है कि वीक के एंड पे मुझे पेमेंट आ जाएगी, तो उस वीक में मैंने जितना पढ़ाया, जैसे वीकली 5,000, 6,000, 7,000 जितने स्टूडेंट आप पढ़ाते हो उस तरह से आती है। तो जैसे इस बच्चे ने 5,000 पे किए हैं, 1200 कमीशन कटा है, 3,800 मुझे मिलेगा। इस बच्चे ने 4,000 पे किए हैं, तो ये ऐसे हर एक स्टूडेंट का बहुत ही प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होता है। आप देख सकते हो आपकी पेमेंट कहाँ मिली है, कहाँ नहीं मिली है, आप इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हो, तो इससे कोई डिस्प्यूट नहीं है, सारी कैलकुलेशन ऐप करता है। और इसीलिए जब ये घंटे के 40 से 50 रुपए आपसे लेते हैं तो मुझे वर्थ इट लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी झंझट आपकी खत्म, आपको केवल पढ़ाना है और क्लास शेड्यूल करनी है ठीक है। समझ में आ रही है चीजें, आगे आते हैं। इसके बाद अच्छा भाई वीडियो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी किया करें आप लोग, आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, कुछ लोग के कमेंट देखे उन्होंने स्टार्ट किया अर्निंग किया। देखिए सर प्लीज हेल्प मी, आई वांट टू टीच स्पोकन इंग्लिश हियर बट आई एम कंफ्यूज इफ आई कैन टीच स्पोकन इंग्लिश थ्रू हिंदी और नॉट। देखिए स्पोकन इंग्लिश का आपके स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आप उसको हिंदी में पढ़ाएंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे, ये आप पे आपके स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कंफर्टेबल है। तो ये टीचिंग मेथड में मेरे तरफ से कोई राय आपको सजेशन नहीं मिल सकता है क्योंकि हर एक टीचर की अपनी क्वालिटी। बाकी अब देखिए कुछ पुराने हैं तो ये लिखा है आई एम गेटिंग मेनी इंक्वायरीज बट आई एम रिस्पॉन्डिंग दैट ईच टाइम मेरे क्वाइंस डिडक्ट हो जाते हैं, नाउ आई एम आउट ऑफ क्वाइन। स्टार्टिंग में होता है भाई साहब, आप कह सकते हैं जस्ट वेट ऑफ मनी नए नए क्योंकि अब कॉम्पिटिशन इस पर बढ़ गया है और आप 800 रुपए लगा के सोचो कोई बंदा मिल जाए तो मुश्किल है। मैं तो 2-3 हजार लगा के रेडी था और उसके बाद चीजें कन्वर्ट हुई, मैं
मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता है ठीक है कि आपका है, हालांकि उन्होंने लिखा पेशेंस तो बहुत है बट इंक्वायरी ही फेक होती है, सही होती है तो जो रिस्पॉन्स मिलता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोई स्टूडेंट कॉल नहीं रिसीव करता, लक बाय चांस अगर कोई है तो वो मीटिंग के बाहर या वापस कॉल करेंगे ऐसे वाली। हाँ मैं मानता हूं आपकी बात, ये सारी बातों से मैं एग्री करता हूं ओके, इनकी सारी बात अलग है। देखिए ये कुछ फॉल्ट भी है, मैं फॉल्ट छिपा नहीं सकता अपने व्यूवर से, तो यहाँ पे फॉल्ट है, कई बार आपकी इंक्वायरीज के कॉल रिसीव नहीं किए जाएंगे, फेक इंक्वायरीज रहेगी और इसकी मैं लिस्ट दिखा सकता हूँ आपको। चलिए मैं आपको थोड़ी सी फेक इंक्वायरी की लिस्ट दिखा देता हूँ। जब मैं आपको क्वाइन हिस्ट्री में अपने ले गया था अकाउंट में, यहाँ क्वाइन हिस्ट्री में, तो अब यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाता हूँ कि ये जो क्वाइंस खड़े हैं ना, इसमें से गिने चुने बच्चों ने डायमंड बैंक किया, जैसे उज्ज्वल ने नहीं किया, आर्या ने नहीं किया, ये बलराम निगम, ये टीचर है जिन्होंने हमसे डेमो बुक कर लिया, इनको लगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो ये बलराम निगम जी का हाल है। ये सुनीता मात्रे जी आज इनका डेमो है, इन्होंने बुक नहीं किया, उनके डेमो के टाइम पे मैं वीडियो बनाता हूँ। संगीता मंडल जी ने किया था बट शी डिडंट रिस्पॉन्ड टिल नाउ। अनिष्का सिंह ने नहीं किया, करिश्मा राय ने नहीं किया, ये प्लस 42 का मतलब क्या, इन्होंने किसी टीचर को रिस्पॉन्ड नहीं किया, इंक्वायरी डाल दी। रंजीता ने नहीं किया, सूरजन गोयल ने नहीं किया, तो ये जो क्वाइंस की भरमार आप देख रहे हैं ना कटे हुए, ये ऐसे ही है ठीक है। तो चलिए ये तो थे कमेंट्स के रिप्लाई, और आई होप कई सारे टीचर्स के डाउट्स इसमें कवर हुए होंगे। और कोई कमेंट मुझे दिख नहीं रहा है सर, मुझे आप जब कोई पूछता है पर मंथ फीस हिंदी, देखिए आप आवर्ली चार्जेस ले लीजिए, देखिए मिनिमम 200 रुपए से नीचे बात मत कीजिए क्योंकि आपका कमीशन कटने वाला है 40 रुपए, 250 रुपए आप स्टैंडर्ड फिक्स कर लीजिए क्योंकि ये तो मिनिमम चार्ज है 200 से 250। इवन वो क्लास 6 या 5 का बच्चा हो और 9th-10th में आप 300 से 350 भी जा सकते हैं, और अगर कहीं यूएस बेस्ड स्टूडेंट मिले तो आप 500 रुपए भी घंटे आवर ले सकते हैं। जैसे मेरे पास यूएसए के अभी 3-4 बच्चे हैं। प्लीज शेयर हिंदी एंड कंप्यूटर डेमो, देखिए मुझे हिंदी और कंप्यूटर मैं पढ़ाता नहीं, अदरवाइज मैंने डेमो वीडियोस भी शेयर कर दी हैं ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपने ऐप पे जो मुझे आपको अपडेट्स देने हैं। ये तो मैंने अभी आपको कमेंट्स के रिप्लाई दिए। देखिए एक चीज यहाँ पे है, एनडीए वायलेशन पॉलिसी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी प्रोफाइल को इन्होंने परमानेंट ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर परमानेंट ब्लॉक भी हो जाए आपकी प्रोफाइल तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम कर नहीं सकते। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ हुआ क्या कि 4 वायलेशन आए थे, अब स्क्रीन शेयरिंग के टाइम पे कोई मेल पॉपअप हो गया और उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद एक और स्क्रीन शेयरिंग के टाइम पे व्हाट्सएप वेब का नंबर पॉपअप हो गया। अब उन्होंने क्या किया उसको मान के, देखिए यहाँ पे लिखा ना योर अकाउंट हैज बीन परमानेंटली डीएक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ सम वायलेशन ऑफ पॉलिसी। मैंने कस्टमर केयर से बात की, बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप टर्न ऑन कर दो। अब अगर आपकी ब्लॉक हो गई है, जैसे 6 वायलेशन हो चुके हैं, स्टार्टिंग में पता नहीं था तो नंबर शेयर कर दिए, तब तो बहुत नया नया था, जो 4 वायलेशन वो 2017-18 के वायलेशन है, तो हुआ क्या इन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया, अब ये ओपन नहीं होगा। तो मैं बड़ा डर गया था कि मेरी तो मेन इनकम का सोर्स रुक गया। जानते हैं अगर आप एक अच्छे ट्यूटर हैं और आप इनको कमा के दे रहे हैं ना, तो इसमें बस एक ही चीज है कि ये जो न्यू इंक्वायरी है अगर मैं इसको कॉन्टेक्ट करके कॉल करके अपने साइड से करना चाहूं तो मैं कॉल नहीं कर सकता। ब्लॉक होने का मतलब ये है कि आई कैन नॉट कॉन्टेक्ट दिस इंक्वायरी, ठीक है, इस पर मुझे कॉल करने को नहीं मिलेगा, ये नंबर मुझे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ओके तो ये प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे सामने से जैसे मेरी प्रोफाइल अच्छी है, मेरी रैंकिंग कमाल की है, जैसे देखिए क्लास 9th में 57 रैंकिंग है, क्लास 10th में मेरी रैंकिंग 100 है, 7th-18th में रैंकिंग है, तो मुझे सामने से बच्चों के डेमोस के आते हैं जैसे इसमें 57 है, क्लास 7th में भी होगा कुछ रैंक में, हालांकि बहुत ज्यादा देखते हैं 19 है, वैदिक मैथ्स में 3 या 4 होगी, पहले टॉप पे था, देखो 3rd रैंक है वैदिक मैथ्स में, ठीक है 6 में भी रैंक है, 27 है। तो जब आपकी रैंकिंग ऐसे होती है टॉप 50 टॉप 100 के अंदर 34 रैंकिंग है, और ये रैंकिंग ऐसे आती है आप कितने स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करते हो, 113 यहाँ पे है, कितने स्टूडेंट को अर्बन प्रो के थ्रू कन्वर्ट करते हो उसी हिसाब से ये रैंक करते हैं। अच्छा रैंकिंग का ऐसा कोई लेना देना नहीं है, इसका क्या फिक्स पैटर्न है मुझे कुछ भी नहीं पता, आप कभी टॉप पे हो कभी बॉटम पे आओगे 10-5 रैंक गिर जाओगे पता नहीं चलता। तो कन्वर्जन रेट वगैरह आपका अच्छा है, आपने ज्यादा फीस भी ली है, तब भी आप कंपेयर नहीं कर सकते कि आपका डाउनफॉल क्यों है या अब क्यों है, लेकिन ये रैंकिंग होती है तो मुझे सामने से डेमोस मिलते रहते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका चलता है, और ये रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं आपके, जैसे आप डेमो दिया होगा मैंने तो बच्चे रिव्यू करते हैं, डेमो होता है एक रेगुलर क्लास का रिव्यू होता है। अब ये किसी ने रिव्यू किया है कल के डेमो का, मैं आपको दिखा देता हूँ।
कैसे रिव्यू करते हैं और कैसे रिफ्लेक्ट होता है। जैसे आप देख सकते हो कॉर्नर पे वैष्णवी को डेमो दिया था, इसमें 3 स्टार दिया है, इट वॉज ओके, क्लास कंटेंट, टीचर्स नॉलेज, टीचिंग मेथड उसको पसंद आया, 5 होते हैं उसमें से उसने 4 दिए हैं। वहीं कृष्णा ने भी 5 दिए हैं, तो कोई 5 देता है, कोई 4 देता है, अलग अलग बच्चों पे डिपेंड करता है उसको कितना पसंद आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रैंकिंग और पेमेंट का, तो कभी भी आपकी आईडी परमानेंट ब्लॉक हो जाए इसका मतलब ये नहीं, अगर आपका अच्छा प्रोफाइल है तो आपको सामने से वेट करना पड़ेगा। तो मैं भी वेट करता हूँ, मेरे पास डेमोज आए, एक ये हाथ बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आईडी ब्लॉक करने का मतलब परमानेंटली डेट टू डेट मतलब कि आप उस पर पढ़ा नहीं सकते, इवन आपकी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वो चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये था ऑल वीडियो अबाउट आपके डाउट्स और मेरे जवाब के, ठीक है। डेमो कैसे शेड्यूल करना होता है, तो या क्लास कैसे शेड्यूल करना होता है, ये बड़ा ही आसान काम है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपने कैलेंडर पे क्लिक करना और मोबाइल पे थोड़ा अलग तरीके से दिखता है बट ऑप्शन होता है, कैलेंडर पे जाना, कैलेंडर पे ऐड होता है, वहां पे आप अपनी डेमो अवेलेबिलिटी ऑन कर सकते हैं अलग अलग स्लॉट में, ये डेमो अवेलेबिलिटी ऑन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड मोर स्लॉट, रिमूव मोर स्लॉट, इस तरह से। आप क्लास शेड्यूल करना चाहते हैं, क्लास शेड्यूल करेंगे, जिस स्टूडेंट को चूज करना चाहते हैं उसका नाम टाइप करें, टाइमिंग चूज करें, डेट चूज करें, यहां से आप क्लास का भी शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कि आप देखिए मेरा ये कैलेंडर है, मैं 2 PM से पढ़ाना चालू करता हूँ, तो देखिए 2 PM से ये मेरे कैलेंडर है और अदर स्टूडेंट को क्लास 6th है, 10th है, 9th है, 6th है, 8th है, 7th है, 10th है, ये दिख रहा है, इसी में बीच बीच में डेमोज है, तो इस तरह से मेरा कैलेंडर बुक्ड है, अगले हफ्ते तक का बुक्ड होगा, शायद मंडे तक का। तो देखिए मंडे का कैलेंडर है, टॉप से लेके बॉटम तक बुक है, पूरे महीने का कैलेंडर मेरा बुक है, और डेमो के लिए मैं अवेलेबल हूँ सैटरडेज को, तो डेमोज बुक कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, तो डैशबोर्ड आपको ऐसा ही दिखेगा जैसे अभी आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन पे अलग दिखता है, ठीक है, बट सारे ऑप्शन सेम है, और ऐसा नहीं है कि अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको कंप्यूटर पे ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे और डैशबोर्ड पे इस पे क्रोम पे कम ऑप्शन मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मोबाइल पे भी सेम ऑप्शन मिलते हैं। ये प्रोफाइल करके है, तो आप प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आपकी प्रोफाइल कैसे दिखती है, क्लास कंडक्टेड, आपको प्राइस सेट करना हो तो यहाँ जाइए प्रोफाइल में, प्रोफाइल से जाइए प्राइसिंग पे, प्राइसिंग में जाके आप अपने पर क्लास की मिनिमम पे कर सकते हैं, जैसे मैं वैदिक मैथ्स के 300 लेता हूँ, CUT के 400, 12th के 400, 11th के 300 और 6th के 250। और हाँ, ग्रुप क्लास बनाने के लिए आप कह सकते हैं, अगर ग्रुप क्लास हो तो इन प्राइसेस में आप 50 से 60 रुपए घटा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए मेरे पास नंबर ऑफ काइंड 9,259 है, क्योंकि मैंने इसलिए पेमेंट अर्नर प्रूफ को दिया है, तो उसमें मुझे कॉइंस मिलते हैं, मेरे पास 9,000 कॉइंस है, तो एक बार आपका इस पे चल गया ना, तो आपको बस कॉइंस की कमी नहीं है, आपको बस अपना ये मंथली स्टार्टर प्लान वगैरह लेते रहना है, जिससे क्या होगा कि आप अपने प्लान को रिन्यू करें, इसकी मेंबरशिप, अगर आपने मेंबरशिप खत्म होने के बाद प्लान लिया तो आपके 9,000 पूरे पॉइंट बर्बाद हो जाएंगे, मेरे एक बार 2,000 पॉइंट ऐसे बर्बाद हुए थे, ठीक है। तो साल भर की मेंबरशिप उठा के ले लीजिए, वो सस्ता पड़ता है, और मेंबरशिप में लेने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखिए आप रिन्यू पे जाएंगे तो ऐसे मेंबरशिप ओपन होगी, मुझे लेना है, और प्रो बिजनेस की जगह मैं स्टार्टर चूज करता हूँ हमेशा, स्टार्टर, ठीक है, अब ये पता नहीं क्यों सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट होना चाहिए स्टार्टर, ठीक है। हाँ, स्टार्टर 3 मंथ्स का है, मैं इसको 3 मंथ्स की जगह क्या ले लूंगा, 1 साल का ले लूंगा, क्या ले लूंगा मैं, 1 साल का ले लूंगा। जब आप 1 साल का लेते हो, ऐसे ऑप्शन होगी, मोबाइल पे अलग दिखाता है, यहाँ पे अलग दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ इतने रुपीस का पड़ेगा। अब ये जैसे कह रहा है ऑप्शनल एड ऑन एनरिच योर प्रोफाइल बाय अर्बन प्रो बैच, रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये सब फालतू के खर्चे हैं। अर्बन प्रो सर्टिफिकेशन अगर आपको नीट नहीं चाहिए तो नहीं, नहीं है तो आप कर दीजिए, आपकी मर्जी, मैं तो रिमूव कर रहा हूँ। आगे 649 पर अगर मेरे को कोई कूपन कोड मिलेगा मैं उसको अप्लाई करूंगा, 500 रुपये में मेरा 3 मंथ का मेंबरशिप चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना मेंबरशिप भी रिन्यू कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो एंड लीव इट यार, ये तो अभी हैरान करेंगे, फाइन, इनको अगर कुछ क्लिक कर दो तो इनकी मार्केटिंग पॉलिसी है, ये ऐसे हर ऐप पे होता है, चलो ये पीछे नहीं हटने वाले, सबमिट कर देता हूँ यार। सो दिस इज ऑल हाउ वी डू, एंड फॉर सच इन्फॉर्मेशन आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। तो ये देखिए जिसकी बात कर रहे हैं, अर्बन प्रो ट्यूटर ऐप है, इसको आप जरूर डाउनलोड करें, ये मोबाइल से बहुत ही अच्छे से चलता है, तो आसानी रहती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पर वर्कआउट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे किसी अपकमिंग वीडियोस में, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ। बाय एवरीवन, हैव अ गुड।